जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास ट्वेल्थ के अकाउंटिंग में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं 5 तक एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर चुके हैं 33 तक, चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, डी के गोयल सर की बुक से। गाइस, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की, पर उससे पहले कुछ साफ सुथरी छोटी बात आपके सामने करना चाहूँगा, जो कि बेहद ज़रूरी है। इसके लिए मुझे उठाना चाहिए एक रफ पेज, जैसा कि हम कई वीडियोस में उठाते हैं, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चंस। सुन लो मेरी बात क्या बेटा, मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको पढ़ाया गुडविल का ज्ञान, गुडविल के कॉन्सेप्ट, गुडविल की एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व में एडजस्टमेंट कैसे होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, सारी बातें पढ़ाई। कहीं ना कहीं इन कॉन्सेप्ट 1 से लेकर 5 तक मैं आपको अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं दे पाया। चलिए, कंप्लीट नॉलेज क्या होती है सुनना बेटा। मैंने आपको गुडविल का ज्ञान दिया, गुडविल को वैल्यू कराना सिखाया और गुडविल की एडजस्टमेंट कराई, बहुत बढ़िया, जिसमें एक पार्टनर डेबिट होता था और एक पार्टनर क्रेडिट होता था। हो दो क्रेडिट भी सकते हैं, दो डेबिट भी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेटा सीधा क्या था कि सर, गेनिंग डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट होगा। बहुत बढ़िया बात थी सर आपकी, गेनिंग डेबिट और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकलते कैसे बेटा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करकर। बहुत बढ़िया बात थी सर। नेक्स्ट बेटा, हमने बात करी थी रिजर्व्स की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की, WCR की, IFR की, कि अगर बटेगा, नहीं नहीं सर ऐसे नहीं था, अगर बचेगा तो बटेगा और बटेगा तो ओल्ड रेशियो में बटेगा। बहुत बढ़िया बात थी सर। पर अगर एडजस्ट होगा तो अगेन सेम फंडा, गेनिंग डेबिट एंड सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। बहुत बढ़िया बात थी सर। अब मेरी बात समझो बेटा, जो मैं आपको, वैसे मुझे कॉन्सेप्ट नंबर 6 बनाने का कोई शौक नहीं था, मैं चाहता हूँ कम कॉन्सेप्ट बेहतरीन नॉलेज के साथ अगर हो जाए वो अवेलेबल तो वही बेटर है। बच्चा एक रात में भी अगर बैठे तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ले कभी भी, उसे ऐसा ना लगे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। बट फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 6 बनाने का सोचा है, अभी तक बनाया नहीं है, शुरू मैंने कर दिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक या दो दिन में आपको वो कॉन्सेप्ट 6 भी अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी नीड बहुत ज़्यादा है। क्यों है सुनना मेरी बात, बच्चे बात समझना पहले पहले। हमने गुडविल पढ़ा, रिजर्व पढ़ा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ा, एक रिवैल्यूएशन टाइप का किला और पढ़ा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद बहुत सारी मैंने उसके लिए बेटा इतनी तारीफें करी थी यार, सोचो मत तुमने कितनी करी थी मैंने। रिवैल्यूएशन की बात है और बेटा और करूँगा मैं, ओहो। आज हम इस रिवैल्यूएशन के नाम से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमें गुडविल भी दिखेगी, इसमें हमें गुडविल भी दिखेगी, और ये जो बेटा गुडविल होगी ये अक्सर वैल्यूड होगी, अक्सर हमेशा नहीं, अक्सर वैल्यूड होगी। वैल्यूड वाली कौन सी, द गुडविल गिवन इन एडजस्टमेंट। बहुत बढ़िया सर। ये जो बेटा वैल्यूड वाली गुडविल होगी, इसमें एक बंदा डेबिट और एक क्रेडिट होगा, जो कि गेनिंग वाला डेबिट और सैक्रिफाइसिंग वाला बच्चे, गेनिंग वाला डेबिट और सैक्रिफाइसिंग वाला बच्चे क्रेडिट। क्या बात, बहुत बेहतरीन। अब बेटा बात समझना असली असली सर, बात कैसी होती है, असली बात बेटा कुछ ऐसी होती है कि हम जब अब सीढ़ी आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने एक दृश्य, सर इतनी प्योर हिंदी, एक दृश्य, एक इमेज, एक चीज बड़ी कॉमन सी नजर आएगी, अगर बच्चों ने साथ 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 सर साथ 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 क्या, अगर साथ साथ 33 तक क्वेश्चन मेरे साथ किए हैं तो क्या कॉमन सी चीज नजर आएगी, मैं तुम्हें बताता हूं, ये इंसान तुम्हें कॉमन नजर आएगा। सर ये कौन, हम हैं या आप हैं या कोई और है, ये बेटा कौन है, ये हमारे, हमारी मूवी के लीडिंग स्टार हैं, पार्टनर्स, लीडिंग स्टार पार्टनर्स। एक पार्टनर डेबिट हो रहा है, बहुत देर से डेबिट हो रहा है, और एक पार्टनर बहुत देर से क्रेडिट हो रहा है। जो जो इनका डेबिट क्रेडिट का मसला है, ये गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पर डिपेंड है, और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग जो भाई लोग हैं वो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो पर डिपेंड है। मैं इन्हीं चीज़ों पर कॉन्सेप्ट नंबर 6 में बात करूँगा, बहुत डिटेल में, इतनी डिटेल में कि जैसे आपने लिखा हो,
प्लीज मुझे 5 मिनट और दे दो ताकि मैं 34 क्वेश्चन की शुरुआत आराम से कर पाऊँ। अब मेरी बात समझना, कॉन्सेप्ट नंबर 2 तक 3 तक जो कहानी थी वो गुडविल की थी बच्चे, ठीक है सर। पहला पॉइंट आपको अगर ये मिला एडजस्टमेंट में तो आपको यही करना है। दूसरा पॉइंट बेटा, अक्सर आपको रिवैल्यूएशन मिलेगा। रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एसेट लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस सारी बातें मैंने बेहद बेहतरीन तरीके से समझाई हैं, कितनी बेहतरीन है वो आप पर आप मुझे बताएंगे। पॉइंट नंबर 3 बेटा आपको जो मिल सकता है वो मिलेगा कैपिटल एडजस्टमेंट का, जिसके लिए मैं स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नंबर 6 बना रहा हूँ। शायद नहीं बनाने का मन था या मुझे लगा था नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट मुझे लगता है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम तीन चार पाँच छः जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी सबकी बात करेंगे। सब में जो बेटा लीडिंग स्टार है इनका रोल प्ले हुआ। लीडिंग स्टार कौन? हमारे पार्टनर्स। स्टार कास्ट में हमारे पार्टनर्स का मेन रोल है, कोई ना कोई डेबिट कोई ना कोई क्रेडिट होगा। रीजन बिहाइंड दैट, एक गेनिंग होगा एक सेक्रीफाइसिंग। दो गेनिंग होंगे दो डेबिट, दो सेक्रीफाइसिंग होंगे तो दो सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, 2:1 रेशियो है। बहुत बढ़िया बात है। कौन सा रेशियो होगा बेटा ये? सर ये क्या, ये तो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नहीं, ओल्ड या न्यू? सर ओल्ड या न्यू तो सभी पता चलेगा जब एक और दिया होगा तो ये ओल्ड हो जाएगा वो न्यू होगा। और बेटा देखो नीचे दिया है न्यू रेशियो, बहुत बढ़िया। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन। क्या क्या चीज़ें बेटा? गुडविल ऑफ द फॉर्म 4.5 लाख रुपये, बहुत बढ़िया। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएशन कहाँ आता है बेटा? एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड एप्रिशिएशन हो डेप्रिशिएशन हो रिड्यूस्ड टू हो रिड्यूस्ड बाय यो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड मार्केट वैल्यू न्यू वैल्यू, सर इतनी सारी बातें, सब रिवैल्यू। रिवैल्यूएशन है ये। क्या है? रिवैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट नंबर 5। पॉइंट नंबर 3 द मोस्ट अवेटेड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट यूजेबल इन द अपकमिंग चैप्टर। सर आप ये हमेशा बोलते हो बेटा, मैं बोलता हूँ मुझे मालूम है, बेहतरीन वही समझ में आएगा, बट स्टिल मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 6 बनाने की शुरुआत कर दी है। ये मैं आज से पढ़ाने वाला हूँ। गुडविल की एडजस्टमेंट है, हाँ है। लैंड एंड बिल्डिंग की है, हाँ है। सबसे पहले बताओ मुझे करना क्या चाहिए। बोला पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। सर अब मुद्दे की बात करो, एग्जाम में कितने मार्क्स आ सकता है? 6 मार्क का आएगा। आता है क्या सर? आएगा, आता है, आने वाला है या नहीं आने वाला है, तुम्हें आएगा या नहीं आएगा, हम तुम्हें पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, सारी बातें होंगी जब हम 5 क्वेश्चन कर लेंगे। तुम्हें कितना समझ में आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारा फेवरेट टॉपिक ना हो जाए तब बात करना। सबसे पहले बेटा जो हमारे लिए नया नया सा कॉन्सेप्ट है हम उसकी बात कर लेना, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर आपने अकाउंट बनाना नहीं सिखाया था वहाँ पर, आपने सिर्फ बता दिया था कि क्रेडिट में जाएगा और डेबिट। बेटा आ गए बस, अब कहाँ दूरी है, अब दिल्ली दूर नहीं। सेम फॉर्मेट लेजर अकाउंट वाला। सर उसमें तो डेट भी होती थी, शायद एक JF या LF भी होता था, JF होता था बेटा, JF वेफ चली गई अब, ठीक है। या सीधे के सीधे आप बाई लैंड एंड बिल्डिंग, फेवरेट एडजस्टमेंट है बोर्ड एग्जाम की, एप्रिशिएशन से 20% बढ़ा दीजिए। 3 लाख × 20% ये है बेटा 60,000 रुपीज़। 3 लाख × 20% ये 60,000 रुपीज़। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है सर? बेटा हर प्रॉफिट, हर रिजर्व, हर लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जनरल रिजर्व, WCR IFR। सर इतना चीखते क्यों हो बेटा? जरूरी है, दिल से जुड़ा हुआ टॉपिक है, बार बार सिखाया हुआ है। ओल्ड रेशियो बेटा, सर ओल्ड सेक्रीफाइसिंग की थी, ओल्ड रेशियो में है। जब भी कोई पुराना प्रॉफिट, पुरानी बात है, पुराना रेशियो, उसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे बेटा। 60,000 रुपये पुरानी वैल्यू, पुराने प्रॉफिट, पुराने रेशियो, पुराने पार्टनर्स की बात करेंगे। 60,000 बटेगा बेटा 2:1 में, तो आई थिंक ये आएगा 24,000, 24,000 and 12,000 रुपीज़। 60,000 कुछ इस तरीके से आपके सामने आता है। ये हो गया बेटा 60,000 रुपीज़।
ये बेटा पार्टनर्स कैपिटल। ए सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस से प्रिपरेशन जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो, उठा के इधर डालेंगे, अभी रुक जाना। पार्टनर्स, सर ये क्या बना रहे हो आप? ये सर उसने तो जनरल एंट्री, बेटा मुझे पता है, मुझे यार तुम्हें सिखाना है ना, खुल लग जाए इसमें आधा घंटा। एक बार अगर सीख लिया जीवन भर नहीं भूलोगे। ए बी सी मुझे पता है उसमें जनरल एंट्री मांगी है, फेयर सॉल्यूशन आपका वही है। ये सब आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है। सबसे पहले बेटा बाई बैलेंस बीडी, 2 लाख 1.5 लाख और 2 लाख 1.5 लाख और 90,000, 2 लाख 1.5 लाख 90,000, बहुत बढ़िया। बाई सर ये क्या है बेटा? सबसे पहले रेवोल्यूशन की बात करेंगे। जो ऊपर दिखेगा आपको ये रेवोल्यूशन प्रॉफिट ऊपर है, इधर आ जाएगा, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। कितना कितना आएगा बेटा? 24,000, 24,000, 12,000, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा जनरल रिजर्व 40,000 रुपये। जनरल रिजर्व इधर होता है बेटा, इधर इधर का माल, इधर इधर अगर कोई गुडविल दिख जाए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिख जाए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख जाए, प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाए, एसेट की चादर ओढ़ के लॉसेस पड़े हुए हैं, उठा के पार्टनर में डेबिट कर दिए जाए। बाई जनरल रिजर्व 40,000 बेटा, 2:2:1 में जाएगा, 2/5, 16,000, 16,000, 8,000, बहुत बढ़िया। सर क्या पता कर रहे हो सर? हम बेटा सुनते रहो बस थोड़ी देर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, याद है ना, इंटरेस्ट में कैपिटल डाल देते, सैलरी कमीशन रिवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, वही है बस, थोड़ा अपडेट हो गया है। रिवेल्यूशन आ रहा है, जनरल रिजर्व आ रहा है, कुछ नई नई बातें हो रही हैं। सर गुडविल दी है नीचे 4,50,000 की, सर कैसे एडजस्ट करेंगे? बेटा आइए नीचे, चलिए बताओ जरा गेनिंग शेयर का फॉर्मूला बताओ। सर गेनिंग शेयर बराबर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, क्या बात है, कितने होशियार है। ए इज गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस, फिर बी इज गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस, फिर सी गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस। सर ये तो आप छोटे छोटे तरीके सिखाते हैं, बिल्कुल वही वो छोटे छोटे तरीका ही आ रहा है आपके सामने। देखिए 2:1, 1:3, मतलब 1, 2, 3, 3, 6, 2/5 बेटा नया है, 1/6 माइनस 2/5, 2/6 माइनस 2/5, 3/6 माइनस 1/5। हाँ जी बेटा नीचे एलसीएम आ जाएगा 30, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से बेटा मैं ऐसी हरकत कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बट यहाँ जो गुडविल की मुझे एंट्री सिखानी है, उसको पोस्ट करना सिखाना है, इसकी वजह से मुझे ये गलत काम करना पड़ रहा है। 5 में से 12 गए, 5 में से 12 गए, माइनस का 7/30 क्या हो जाएगा बेटा? तुरंत सेक्रीफाइस, हम निकालने गए थे गेन मिला सेक्रीफाइस, 5 × 2 = 10 में से 12 गए, माइनस के 2/30। सर मैं बताऊंगा, 9/30 आएगा, 9/30 आएगा। पे यार होशियार हो तुम लोग, कौन हो? सर होशियार नहीं, हमें जीनियस बोला कीजिए। ओके गेन है, क्या करना है बेटा? सर जो भी गुडविल दिए ना, उसमें इसका इंटू और इसमें से इसको क्रेडिट कर दो। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है मैं ऐसा काम करने वाला हूँ, बोल दो जरा। सर हमें लग रहा है, कितने बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होनी है कि सर इसमें जनरल रिजर्व भी जोड़ दीजिए, कितना को हो रही है, बोलो जल्दी। कराया है ना मैंने ऐसा काम जनरल रिजर्व जोड़ के भी? सर तब कराते थे जब बोलते थे जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर क्या कर दिया बेटा? पुराने रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, जनरल रिजर्व डेबिट करते हैं हम। देखो नीचे जाके सारी एंट्रीज बनानी है, ये बेटा फेयर सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। मुझे जो थर्ड पॉइंट सिखाना ना, उसके लिए ये मेहनत चल रही है सारी। 9/30, 2/30, 7/30, तो 9/30 को क्रिएट कर ले रहे हैं पहले। 15 15 में 1,45,000, 1,45,000, 1,35,000, 15 7 1,05,000 और 30,000, ये होता है बेटा आपका सारा काम। अब इन एंट्रियों को पोस्ट कैसे करना है, सबसे बड़ी दिक्कत। सर ये 11th में हमें बड़ी दिक्कत करती थी बेटा, 11th में भूल जाओ, तब अपने टीचर जैसे बन जाओ थोड़े से,
इलेवेंथ में पढ़ा नहीं, बट ट्वेल्थ में मजे लिए, इलेवेंथ में मजे लिए बट ट्वेल्थ में टॉप पढ़ाई करी। सुनना मेरी बेटा, सी बेटा डेबिट हो रहा है, मैं सी के डेबिट के घर में जाऊँगा और बोलूँगा सी तुम डेबिट हो गए हो, सी तुम डेबिट हो गए हो। सी बोलता है किसकी वजह से? सी मुझसे पूछ रहा है किसकी वजह से? मैंने कहा ए की वजह से, ए का नाम लिख दूँ। मैं गलती से यहाँ लिख रहा था पैसे, नहीं लिखूँगा, किसके लिखूँगा? सी के खाते में। उन्हें सी तुम ए की वजह से इतना डेबिट हुए हो। आसानी से समझ में आएगा, जो सोच रहे हैं ना सर इलेवेंथ के तरीके से सिखा दो पूछो पास, बेटा भाड़ में जाए सब कुछ छुपाना दिखाना ये डेबिट वो कुछ नहीं, सीधे सी से पूछो सी तो डेबिट हुआ है किसकी वजह से हुआ है? मैंने कहा ए की वजह से। उसने बोला सर मैं बी की वजह से भी डेबिट हूँ। अच्छा बी की इतनी हिम्मत? कितने से? 30,000। ए के पास गए, ए तुम क्रेडिट हुए हो। ए ने बोला किसकी वजह से? बोला सी की वजह से। कितना हुए हो? 1,05,000। उन्होंने कहा बी तुम क्रेडिट हुए हो। उसने किसकी वजह से? उसने बोला सी की वजह से। 5 मिनट में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ 10 बार यूज़ होगा, कम से कम ज़्यादा बोलो 50 बार यूज़ होगा। सर तुम इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हो बेटा, नहीं होता बात करना, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में जाएंगे ना, भयंकर तरीके से यूज़ होगा इसका। इसी चीज़ का बता रहा हूँ, ये डेबिट वो क्रेडिट कर रहा हूँ जो मैं नाटक तुम्हारे सामने, यही वाली भाषा जो तुम बोलना सीख गए कि सी तुम डेबिट हुए हो किसकी वजह से, तो सी के खाते में डेबिट, नाम दूसरे का। सर हाँ, अपने खाते में कभी अपना नाम नहीं आता, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन का नाम नहीं लेता, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल का नाम नहीं लेती, एक दूसरे का नाम ले सकते हैं। कैसी लगी? शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ मतलब सर थर्ड पॉइंट तो समझाया नहीं, अभी समझाते हैं। सर इतनी देर से पिक्चर सस्पेंस में चल रही। हाँ बेटे हाँ, 2 लाख, 2,24,000, 2,40,000, 2,40,000 में से और जोड़ दिया 3,45,000, क्या लिख दो 3,45,000, 3,45,000 ऑल है, 1,50,000, 1,90,000, 2,20,000, 2,20,000 रुपीस, 90,000 और 12, गलत कर रहे हो सर, 1,10,000, 1,10,000 सर, यहाँ आ रहा है 1,35,000। किसकी बात माने सर, ये हुआ क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आया बेटा। बहुत भयंकर सवाल पहले ही दे दिया गोयल सर ने मुझे, इसके लिए लाल कलर का पेन तो छोड़ो मार्कर उठा ले रहा हूँ, दिख रहा है मेरे को यहाँ पर परमानेंट मार्कर है ये बेटा। एक छोटी सी दिक्कत है यहाँ पर, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, यहाँ बाई बैलेंस सीडी डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ कमी आती है वहाँ यहाँ 1,20 या 1,10 आ रहा है, सिर्फ 10 आ रहा है, 1,20 आ रहा है, 1,10 आ रहा है, तो बेटा यहाँ मुझे बाई बैलेंस सीडी डालना पड़ेगा 25,000 रुपये का, तब इसको जोड़ के क्या हुआ 1,35,000। अभी मज़ेदार नहीं हुआ क्वेश्चन, ठीक है सर? ये मतलब क्या हुआ बेटा? इनका पैसा तो फॉर्म में है, ये फॉर्म से इतना पैसा बाहर निकाल गया है, पर सर निकाला तो उस बेचारे ने कुछ नहीं, ड्यू टू एडजस्टमेंट बेटा, डेबिट ज़्यादा हो गया बंदे का, क्रेडिट कम, एक बैंक ओवरड्राफ्ट टाइप की होती थी हमारे बैंक में, हमारे 10,000 होते थे, इवन हम 15,000 का पेमेंट करते थे तो 5,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट, सेम इसकी बेटा कैपिटल ओवरड्राफ्ट हो गई एक तरीके से, क्रेडिट का बैलेंस होना चाहिए बट डेबिट का हो गया। सर ऐसा कैसे हो जाता है? हम 10 रुपये डालेंगे गल्ले में से 20 कैसे बाहर आ जाएंगे? हाँ मैं ऐसे ही बोलता था, 10 से ज़्यादा नहीं आएंगे, पर 10 आपने डाले, 10 आपके दोस्त ने डाले, 10 आपके और दोस्त ने डाले, 30 हो गए, आप तो 15 निकाल सकते हो ना, वही कंडीशन है, ठीक है बेटा? डाले थे पैसे कम, पर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स ज़्यादा पैसे निकाले, तो 25,000 से बेटा ये क्या आ गया? डेबिट का बैलेंस। अब समझना, पहले ही क्वेश्चन गोयल सर ने बेहतरीन से डाल दिया, समझाने में तकलीफ थोड़ी सी मुझे होगी, थोड़ी सी आपको, बट आने वाले क्वेश्चन बड़े ईजी, बड़े मज़ेदार, बड़े दमदार, और ज़्यादातर मतलब रिपीटेड, अगर ये सीख लिया तो आपको चैप्टर 4, 5 में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर नहीं सीखोगे तो वहाँ सीख लेना यार, मजे किस बात के। थर्ड पॉइंट अब बात समझना बेटा, इसमें लिखा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन, ये बेटा बहुत बेहतरीन सी एडजस्टमेंट है, बोर्ड की फेवरेट एडजस्टमेंट है ये वर्ड, पर वो 8 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। सर इतनी बड़ी बात कैसे कह देते हो आप, मुझे समझ नहीं आती, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका और थोड़ी सी आपकी दुआएं। कैसी है ये बेटा, बात समझना, कैपिटल जो है पार्टनर की वो बेटा प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, और जो प्रोपोर्शन में मतलब क्या होता है सर, प्रोपोर्शन में होता है रेशियो प्रोपोर्शनेट, मतलब हर आदमी अपने पैसे उसके हिसाब से लाए। सर ये समझ नहीं आ रहा बेटा, 10 रुपये की डेयरी मिल्क में अगर 25 ग्राम है तो 20 रुपये की डेयरी मिल्क में कम से कम 50 तो होना चाहिए ना, 50 ग्राम सर कम से कम, क्या तो मान के चलो कंपनी ऐसे ही बेचती है 10 रुपये की डेयरी मिल्क में 25 ग्राम, 20 रुपये की में 50 ग्राम, 40 रुपये की में 100 ग्राम,
यही प्रोपोर्शन होता है, मतलब बराबरी आनी चाहिए टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो अब तक तुम्हारे पास काम में गया है, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओके। इन सब चीज़ों के लिए आप करंट अकाउंट खोल लीजिएगा, इन सब चीज़ों के लिए आप करंट अकाउंट खोल लीजिएगा। मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ, आधा घंटा 10 मिनट में हो सकता है क्वेश्चन पर, मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा खोल के समझाऊँ दमदार तरीके से। दो बच्चों ने मुझे बोला भी कि सर थोड़ा सा डिटेल में, तो बेटा बहुत ज़रूरी है, मुझे भी लगता था मैं फास्ट चल रहा हूँ। सर सिंपल सी बताओ बात है क्या, बहुत सिंपल फॉर्मेट बताऊँ। देखो आपकी इनकी जो कैपिटल के बैलेंसेस क्या थे यार, 3,45,2,20 और माइनस का 25 क्या होता है बेटा, पैसा दिया तो है नहीं बंदे ने, उल्टा निकाल और गया पैसा, याद है पास्ट एडजस्टमेंट। हाँ सर वहाँ से क्या सिखाओगे, वहाँ से बेटा कुछ सिखा तो नहीं पाऊँगा, बस वही सिखाऊंगा जो वहाँ करता था, वहाँ करता था ना डेबिट क्रेडिट। बेटा सुनना मेरी बात, इनकी बंदे की लगी हुई है 3,45,000, इस बंदे की कितनी लगी हुई है 2,20,000, और इस बंदे का लगा तो कुछ नहीं उल्टा माइनस का 25,000 घर ले गया एक तरीके से, लेकिन क्या बेटा बस वो डेबिट क्रेडिट के एडजस्टमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये दोनों भाई मिलके कह रहे हैं 3,45,000 और 2,20 कितने हो गए 5,65,000 माइनस 25, हमारी टोटल 5,40,000 की कैपिटल लगी हुई है जो कि न्यू रेशियो बांट दी जाए। सर समझ नहीं आ रहा बेटा, याद है ना ऐप वर्सेस P&L, प्रॉफिट वर्सेस ऐप, ऐप वर्सेस प्रॉफिट, याद है सर याद है। यहाँ होगा एग्जिस्टिंग वर्सेस रिक्वायर्ड, मतलब एग्जिस्टिंग वो जो बेटा टू बैलेंस CD जो क्लोजिंग कैपिटल है जो अब तक आई है, जिसमें जनरल रिजर्व भी शामिल है, गुडविल की एडजस्टमेंट भी शामिल है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर लॉस है वो भी है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, बैलेंस शीट गुडविल है, सब खत्म करते हुए, सब नाली समुंदर पार करते हुए जो कैपिटल आई है उसे एग्जिस्टिंग, रियल में जो कैपिटल है रिक्वायर्ड ऐसा होना चाहिए। मतलब आपके आय 80 है, तमन्ना 90 की है, आपके आप 95 गए, सोचा था सिर्फ यार 80-85 बहुत थे, समझ अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट टाइप, मतलब ज़्यादा है कम है हमें नहीं पता कितनी है, पर होनी इतनी चाहिए, वो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड ऐसा होना चाहिए। तो 5,40,000 अब तक मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग गेनिंग काम में आता है आप कर रहे हो, फिर ओल्ड रेशियो काम में आता है, यहाँ से बेटा न्यू रेशियो पहली बार काम में आना शुरू हो गया। न्यू रेशियो कौन सा है आपका 1:3, 1:2:3, तो इस पूरे 5,40,000 को हम उसी में बांट लेंगे। तो पहले वाले भाई को सिर्फ 90,000 चाहिए थी, दूसरे वाले भाई को 1,80,000 चाहिए थी, और तीसरे वाले भाई को 2,70,000 चाहिए। ये इनकी असली औकात है, मुझे पता है अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, 3 या 4 क्वेश्चन मैं लूँगा तभी समझ आएगा, बस जुड़े रहना यार, पीछे मत हटना, क्योंकि छोड़ दोगे तो कम से कम आप 12 से 15 मार्क का नुकसान करोगे। सर अभी तो 8 नंबर बोला था बेटा, 8 ये इनसे जुड़ी हुई और भी चीज़ें हैं जो आपसे इनके बिना नहीं हो पाएंगी, बात समझ रहा बेटा। 3,45,000 है बंदे को सिर्फ 90 चाहिए, मतलब क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है डेबिट का, सर ऐसे करोगे नहीं बेटा, सीधे सीधे माइनस कर दो, बस ये बताओ क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट ज़्यादा, सर इसका क्रेडिट ज़्यादा है और ये क्रेडिट कम है, सर समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो बेटा, ये चाहिए था ये है, ये चाहिए था ये है, तो ज़्यादा है ना इसका, चाहिए कितना कम, तो जो भी बचा है वो पैसा से वापस कर दिया जाए, वो बचा आपका 2,55,000 रुपया, करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, मतलब इसको आप डेबिट वाला मान लेना कुल मिला के, ऐसे ही मैं पहले कहता था ना, ठीक है बेटा, ये अगेन क्रेडिट है, ये डेबिट, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है बेटा, समझ रहे हो ना, ये बैलेंस पड़ा हुआ है तो ये बेटा क्रेडिट है, इसने निकाल लिया जाता तो डेबिट है, ये सारी चीज़ें क्या है डेबिट है, तो इनसे विड़ंत करेंगी देखेंगे, 2,20 में से 1,80 गए 40,000, ये भी अगेन क्या है बेटा क्रेडिट, और इन दोनों का जोड़ आपका इधर आएगा, दैट इज 2,70 और 25, दोनों डेबिट के 2,95,000। सर पास्ट एडजस्टमेंट सीखने से फ़ायदा तो बहुत है बेटा, देखते जाओ तुम किसके कितने कितने फ़ायदे, तो मैं कहाँ का दिखाता हूँ, सीज करंट अकाउंट डेबिट, ये बनेगी बेटा लास्ट एंट्री। सर ऐसी तो तब बनती थी जब कैपिटल फिक्स्ड होती थी बेटा, हाँ ऐसी तभी बनती थी, यहाँ कहीं नहीं लिखा फिक्स्ड है, पर वो बोल रहे हैं भाई साहब करंट अकाउंट के थ्रू करो तो मतलब करो, मोदी जी ने बोला 3 मई तक लॉकडाउन, तो मतलब लॉकडाउन है। 2,95,000, 2,55,000, सर इनके बैलेंस हमेशा सेम आएंगे बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ के आयो ना, तो ऐसी 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 बहकी बहकी बात है मत किया करो, बींग समझ गए पिक्चर में कौन रोल प्ले कर रहा है,
लीडिंग एक्टर्स पार्टनर बिंग कैपिटल एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। सर उन्होंने तो जनरल एंट्री पास करने को बोला था, चलिए करते हैं। अब शुरू हो रहा है फेयर सॉल्यूशन। 20 मिनट सिर्फ समझाया था क्या है बेटा फेयर सॉल्यूशन। जनरल रिजर्व यहाँ क्रेडिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, मतलब ये पूरा काम आपको कुछ नहीं करना था, आप सिंपली ये करेंगे। पर मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसे ही। चलो एक बेटा जनरल एंट्री हमने ये कर दी, इसको फेयर सॉल्यूशन कॉपी कर देना। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ करी थी। आपकी एक एंट्री जनरल रिजर्व की होनी है और एक एंट्री रिवैल्यूएशन की होनी, दोनों देखो कैसे होती है। दोनों में ही पार्टनर्स क्रेडिट है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। दोनों में ही ओल्ड रेशियो जाएगा नहीं जाएगा? सर जाएगा। तो बस जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, कौन सा रेशियो जल्दी बोलो, कौन सा रेशियो? सर ओल्ड रेशियो। सर ये तो आप बोल देते हो, हमें तो पता ही नहीं चलता कब ओल्ड कब न्यू। बेटा पुरानी बातें, पुराने पार्टनर पुराना रेशियो। चलिए 40,000, इसके लिए कितनी? 60,000, 1,00,000। सब पुराने बटे का बेटा 2:2:1 में 40,000, 40,80,000 और 20,000। ये सर था क्या? आपने तो अलग अलग यहाँ 24 करके। हाँ बेटा दोनों को जोड़ लेना, सेम आएगा 24 16 40 और 12 8 20। सेम यही है, मैंने एक साथ कर दिया। टाइम की बचत और आपका फ़ायदा। बिंग जनरल रिजर्व, आपको पता है मैं यहाँ पर थोड़ा आलसपन दिखाता हूँ और रात का टाइम भी बहुत लेट हो रहा है। बिंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत, बी हैप्पी ऑलवेज। कोशिश करूँगा इस वाली सीरीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करूँ। प्लीज़ बता देना यार कहीं भी कोई कमी लगती है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 50 कमेंट अच्छे आते हैं तो 2 कमेंट मैं उनका भी इंतज़ार करता हूँ जो मुझे सही बताते हैं कि सर आप थोड़ा फास्ट चल रहे हो, सर थोड़ा डिटेल में बताओ। उन सभी के लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। बी हैप्पी।